सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सरकारी डिपुओं में आ रही खाद्य सामग्री में मिट्टी और कंक्रीट आने पर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लोगों के द्वारा उन्हें सरकारी डिपुओं में आ रहे नमक में कंक्रीट और रेत होने की शिकायत दी गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि अपने चहेतों को सरकार टेंडर दे देती है, जिसके बाद ठेकेदार के द्वारा मिलावट की जाती है और उस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे लोगों में मिलावटी नमक से बीमारी होने का खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से ही खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग का इस और कोई ध्यान नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो सरकारी डिपुओं में राशन में मिलावट हो रही है उस और सरकार और खाद्य मंत्री का कोई ध्यान नहीं है, जिससे साफ पता लग रहा है कि सरकार अपने लोगों को टेंडर देकर मुनाफा करवाना चाहती है। उन्होंने कहा अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज मैं सुनील कुमार के लिए जिला परिषद के जो हमारे उम्मीदवार हैं बांटा वार्ड से, उनके लिए वोट मांगने के लिए बांटा पंचायत में आया हूं और उसमें कुछ घरों के लोग मुझे मिले, ग्रामीण हमारी माताएं और बहनें मिली जिन्होंने ये नमक मेरे को बताया और ये पैकेट से अभी निकाला हमने और एक डब्बा वहाँ रखा हुआ है नीली लाओ जरा। इस ये जो नमक हमें डिपो में मिल रहा है इस नमक में आधे से ज्यादा जो है रेता इसमें मिला हुआ है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग आपकी सरकार के अंदर इस प्रकार का नमक जिसमें रेत मिला हो लोगों को खिलाया जाए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए तो लोगों के पेट में पथरियां पैदा होंगी और लोग बीमार पड़ेंगे। और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके ध्यान में ये चीजें नहीं है, आपका खाद्य मंत्री कहाँ सोए हैं, आपके खाद्य विभाग के डिपार्टमेंट के लोग कहाँ सोए हैं, कहाँ सेक्रेटरी सोए हैं, कहाँ डायरेक्टर सोए हैं, कहाँ एमडी बैठे हैं आपके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो आपके ऑफिसर हैं वो इस प्रकार का घपलाबाजी जो है कर रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस घपलाबाजी को रोकें और प्रदेश के अंदर प्रदेश के डिपो के अंदर जो ये घटिया सामग्री जो लोगों को वितरित की जा रही है उसके ऊपर अंकुश लगाएं और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई करें। और इसी प्रकार के दालों के अंदर भी जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं उसके बीच में पाए जा रहे हैं, तो घटिया किस्म की सामग्री लोगों को वितरित की जा रही है। मैं राजेंद्र गर्ग जी हैं इसके हमारे मंत्री, वो घमारवीं से हैं, बिलासपुर की ये बात है, बांटा पंचायत के अंदर मैं देख रहा हूँ, चांदपुर में गया वहां पर लोगों ने मुझे बताया, कंदरौर में गया वहां पर लोगों ने मुझे बताया। तो आप कहाँ सोए हुए हैं? आप सोसाइटी से एक नमक का पैकेट ला करके देखें अपने घर में और उसको अपनी दाल में डाल कर देखें, उसको सब्जी में डाल के देखें, लोगों के दांत खराब होंगे, लोगों के पेट खराब हो गए, लोगों के पेट में पथरियां पैदा हो जाएंगी। राजेंद्र गर्ग जी आप कहाँ सोए हुए हैं? तो कृपया करके इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लोग और हम सब लोग दफ्तरों के अंदर जाकर के आपके अफसरों का भी घेराव करेंगे और आपका भी घेराव करेंगे। यह मैं आपको सचेत करना चाहूंगा।